दिल्ली में आया हूँ मैं, चांदनी चौक जाना है। कितना? 350? 400 नहीं। क्या मिलेगा ये जाके पता चलेगा। पीपी का फूड एक्सप्लोर करवाए भाई। पक्की बात है ना, कह दिया ना वीडियो भाई। हेलो हेलो हेलो, राम राम सा, क्या हाल है। दिल्ली में आया हूँ मैं। ये रोड जो देखी आपने दिल्ली की है, अभी बस इतना ही बताऊंगा। मेरा भाई, मेरा दोस्त दिख रहा है आपको, वो खड़ा। और अभी अजय के पास निकल रहे हैं हम, हमें काम है, सामान खरीदना है। अजय को बोला था भाई 10 बजे के 11 बजे पहुंच जाइयो, अभी 2 बज रहे हैं और हम यहीं खड़े हैं। उससे बोला है हम 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी भी हमें पहुंचने में तकरीबन 1 घंटा लगेगा। सॉरी अजय भाई, ये वीडियो देख रहा है तो बाद में सॉरी। अभी जाके उससे 10 बहाने और बनाने पड़ेंगे। अभी हम भागते हैं ऑटो से। ले भाई, ठीक है भाई। ये ऐसा हो रहा है, अपन लोग निकल जाओ भाई। कैब कूब तो मिल ही ना, ऑटो से जा रहे हैं। हमारे वाले शहरों में ना ऐसी चीजें देखने नहीं मिलती है। दिल्ली मुंबई आओ ना, ऐसी साली अजीबोगरीब चीज देखने मिलती है। ये देखो कितना क्यूट सा छोटा सा आइसक्रीम का ये ठेला है। अभी हम ऑटो ढूंढ रहे हैं, इतनी देर से मिल तो रहा नहीं है। चांदनी चौक कितना? 350? 400 नहीं भाई। ऑटो नहीं मिल रहा भाई साहब। हाँ तो मैं दिल्ली में कर क्या रहा हूँ, मेरा मतलब क्या है, और ये भाई मेरे संग क्या कर रहा है यहाँ पे। भाई मैं दिल्ली में सामान खरीदने आया था, मेरे को 3 दिन हो गए दिल्ली में आके और मैंने कुछ नहीं किया अभी तक। आज संडे है, भाई की छुट्टी है और हम निकले हैं चांदनी चौक। सुना है चांदनी चौक में हमारे काम का बहुत सामान मिल सकता है, क्या मिलेगा ये जाके पता चलेगा। पर मैं ऑलरेडी भाई इतना लेट चल रहा हूँ ना, अजय के साथ इतना गलत कर चुका हूँ ना मैं ऑलरेडी। वो पहुँच गया और उसको वेट करना पड़ेगा, वो कब से वेट कर रहा है, और अभी हमें कम से कम 1.5 घंटा और लगेगा। अब आप ये कहोगे ऐसा कौन सा सामान है जो दिल्ली में ही मिलता है, फिर जयपुर में, भरतपुर में कहीं नहीं मिलता। तो भाई अपन जो स्टूडियो बना रहे हैं ना, उस स्टूडियो के लिए सामान लेना है, और ऑनलाइन जब हमने चेक किया तो बहुत महंगा आ रहा था। लाइट्स चाहिए और काफ़ी कुछ सारी चीज़ें चाहिए हमें। तो दिल्ली का जो मार्केट है चांदनी चौक का, वहाँ पर चीज़ें बहुत सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। पीछे आपको बहुत नॉइज़ आ रही है, इसको हैंडल करो, क्योंकि मेरे पास कोई सामान नहीं है जिसको मैं लेने जा रहा हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी नाम है आपका। मम्मी पापा कहाँ हैं? मम्मी पापा पढ़ाई करते हो क्या? बांट लेना पापा, बहने हो ना, बांट लेना। देखो भाई घुसके बड़े घुसके, देखो ऐसा लग रहा तब जाऊंगा मैं इनके बीच में। अब तक भी नहीं पहुंचे भाई। सॉरी अजय भाई, सॉरी, हमारी गलती नहीं है। पैदल से ऑटो, ऑटो से ई रिक्शा में सफर करते हुए पहुंचे तो अब तक नहीं है हम अजय के पास, पर हमारी हालत फटेहाल हो गई है। देखो क्या है ये हरामखोर चीज ने किया। अजय भाई देख ले तेरे पास आते आते भाई, जैसे कि मैं भी मुश्किलों का सामना कर रहा हूँ, अगर आपके जीवन में भी मुश्किल है ना तो उनका एक ही इलाज है, गुरु मूसा जी। भाई लव मैरिज, बिजनेस प्रॉब्लम, जॉब प्रॉब्लम, डाइवोर्स, होम प्रॉब्लम, हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम, कोर्ट मैटर, प्रॉपर्टी मैटर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ब्लैक मैजिक, किया कराया और जादू टोना भी, भाई सारी समस्याओं का हल है। फर्जी बाबाओं से सावधान रहें और जाएं गुरु मूसा जी के पास। आ रहा हूँ गुरु मूसा जी। चलो भाई चले भाई गुरु मूसा जी के पास। भैया यार जॉब प्रॉब्लम, लड़की प्रॉब्लम,
पैसा प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम, सारी की सारी है। इन्होंने तो वकीलों का काम भी छीन लिया, कोर्ट मैटर कोर्ट मैटर भी वकील गए अपनी कराने, डॉक्टर भी सब। कहना लग रहा भाई कैसे हो भाई, बहुत समय बाद मिले, बहुत खराब भाई, बहुत क्षमा चाहता हूँ मैं आपसे, मैं लेट हो गया मिलने में आपसे, मिलते मिलते मेरी हालत फटेहाल हो गई भाई। मेरे से मिलते मिलते नहीं है ये, इसकी शक्ल इससे, इसके कारण है ये। आपको जीवन में मतलब ऐसा अपना बुरा चाह रहा हो ना, तो दोस्त ऐसे बोलो बनाओ ऐसे, जो साले हर जगह ना पनौती की तरह आपके संग रहे भाई। देखो भाई, भाई इसी अच्छा, ने ऑटो करवाया भाई। अच्छा अच्छा चाहना तो मेरे जैसे बनाओ, ठीक है ना। नहीं मैं नहीं, ऑटो का आइडिया भी इसी का था। मैं नहीं पी रहा, ये कैसी बात है, तुम खराब लोग हो भाई, तुम दिल्ली में रहे कितनी कितनी देर से वेट कर रहा तू, यूं बता। एक घंटा हो गया, मुझे लगा और ज्यादा हो गया दिखे तुझे यार। अब इसके आगे गिन नहीं रहा, मैं गिनूंगा भी नहीं, इसके आगे दिक्कत हो जाएगी। चल धक्का देने से मर जाऊंगा, आगे के लोग चलेंगे तभी तो चलूंगा भाई। गलियां लोगों का जाम लग रहा है यहाँ पर भाई, लोगों का जाम लग रहा है, ऐसी बदली गली है भाई। हाँ भाई कुछ बट नहीं रहा, लड़ाई हो गई है, टाइम पास कर रहे हैं भाई, इतने में तो लड़ाई में दे दा के छुट्टी करो, टाइम पास। बुरा यार बुरा भाई, पूजा चौधरी मार्केट तो बंद रहता, बताया संडे को, इतनी ऐसी तैसी करा के यहाँ आए और मार्केट तो बंद है, तो हमने सोचा है कि अब हम कल आएंगे इस मार्केट में सामान खरीदने, और यहाँ का खाना तो कलीजा खाएंगे। अब हम जा रहे हैं सीपी, भाई साहब बोल रहे हैं सीपी का फूड एक्सप्लोर करवाएंगे भाई, पक्की बात है ना, कह दिया मैंने वीडियो में। सीपी तो आ गए भाई, एक दुकान मिली है सामने, ये दुकान लग रहा है ज़्यादा चल रही है, लिख रहा है 1972 से है, पर अभी इसमें राजमा चावल, छोले चावल वगैरह मिल रहे हैं। मैं एक थाली लेके आता हूँ और फिर आपको रियल रिव्यू बताऊँगा कि है कैसा। अब इसको दिखा एक बार बस भाई, ये मिक्स थाली है, छोले राजमा और सोया चावल। अभी छोले चावल खा के देखें, राजमा चावल भाई पहली बाइट में तो लग रहा था सही है कि बढ़िया है, एक एक बाइट मैंने दोनों तीनों की खाई ना तो मुझे लगा सही है भाई, उसके बाद मैं जैसे जैसे खाता गया भाई, मेरा चूतिया स्वाद भाई, मैं मतलब क्या बताऊँ, मैं उसके सामने बोल नहीं सकता था, थोड़ा दूर आके बोल रहा हूँ, मज़ा नहीं आया भाई। जो ये मैं वीडियो देखता हूँ ना मैं इतनी सारी यहाँ दिल्ली के खाने की, छोले चावल, राजमा चावल, फलाने चावल, भाई अगर ऐसे है ना तो भाई कुछ नहीं है, सिर्फ हवाबाजी है, बेकार भाई। मैंने तो जीवन में पहली बार रोलेक्स का शोरूम देखा है भाई, मेरे पे बोला भी नहीं जा रहा, रोलेक्स का शोरूम पहली बार देखा भाई। तेने देखा है क्या? हाँ तेरे पे तो घड़ी भी दिखे, दिखाइयो भाई। अगर मैं किसी आदमी को जानता हूँ जो रोलेक्स की घड़ी ले सकता तो वो सिर्फ ये है भाई, अपनी तो देख वो सादा टाइटन वाला हिसाब है, यही 8-9 साल से चल रही है, पर भाई मज़ा आ गया देख के। तो बोल दे कुछ बाय।